थे हम लोग, और हम लोग सुबह फजर में आए थे, फिर हम सो गए थे, फिर दोपहर में उठे, नमाज वमाज पढ़ के फिर वापस सो गए। अब हम लोग जा रहे हैं वापस, क्या कहते हैं, उमरा करने। और ये वसी भाई भी रेडी हो गए, ये हमारा होटल है और हमारा होटल बिल्कुल करीब ही है बस। तो फिर अब हम निकल रहे हैं और आगे मिलते हैं, ठीक है, आ जाए हमारे साथ। हम लोग घर से निकल गए थे वापस जा रहे हैं। और सामने देखें, ये सामने इसी के बिल्कुल बीच में काबा है, मतलब ये सामने ही गेट है, मतलब आप जैसे ही गेट से एंटर होंगे ना, बिल्कुल सामने आपको काबा दिखेगा, काबा शरीफ। और ये हम लोग रास्ते में, बस ये वसी लगा हुआ है थोड़ा अपने ऑफिस के कामों में, ताकि तकरीबन अच्छे खासे लोग जा रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है रात में तो बिल्कुल भी रश नहीं था, अभी शायद रश मिले क्योंकि अच्छे खासे लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो देखें, वैसे आराम में अंदर अलाउ है, इसके अलावा तो अलाउ नहीं है, तो शायद रश तो वैसे हो सकता है क्योंकि अभी ज़्यादातर आराम पहनी हुई तो नहीं है। अब ये रश का अंदर जाके ही पता चलेगा कि रश कितना है। हम लोग ये क्या कहते हैं अंदर इंटर हो रहे हैं, तो बस ये हो रहा है, वो चेकिंग चल रही थी थोड़ी सी, बाकी वो क्लियर करके अब हम आगे जा रहे हैं। बस ये रास्ता है बिल्कुल सीधा सीधा, ऐसे जैसे ही लेफ्ट टर्न होंगे ऊपर जाएंगे, ऊपर से फिर नीचे आएंगे, लेफ्ट से नीचे जाएंगे, बिल्कुल सामने खाने का काबा है। हाँ बस यहाँ से जाएंगे नीचे लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड टर्न, हाँ नज़र आता है ऊपर का, ऊपर का हिस्सा ना, ये जो फर्स्ट फ्लोर का किला है एम फ्लोर, हाँ नज़र आता है, लेकिन ये कि फिर हमारे को अंदर जाने के लिए नीचे सीढ़ियों से नीचे जाएँ या लेफ्ट से जाएँ, नीचे जाके फिर आप बिल्कुल सामने चले जाएंगे उसके। जैसे कल रात में हम लोग गए थे तो वो इसी ब्लॉग में आपको पीछे मिलेगा, तो अभी देखें वापस जा रहे हैं। आज रश बहुत है ऐसी, मैं बता रहा हूँ, रोज़ शाम का टाइम सब निकल के आते हैं, गर्मी में कोई नहीं आता। हाँ सही बोल रहे, तो चलें अंदर में। लोग अंदर आ गए थे, मैं वीडियो बनाना भूल गया, वहाँ से निकल गया, अभी वैसे में मोबाइल अपने लगे थे वीडियो के लिए ऑन करा तो मुझे याद आया, ये देखिए माशाल्लाह। भाई यहाँ पे आके ब्लॉग व्लॉग याद नहीं रहता, जब आप आएंगे ना खुद तो आपकी कैफियत आप ही को भी पता होगी कि आप यहाँ पे आते हैं ना, तो मतलब बंदा का बंदे का दिमाग ही कहीं और चले जाता है, तो समझ में नहीं आता क्या करें। हाँ ऐसा है पूरा, अब मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी मैंने तवाफ करना सीखते आएंगे, ठीक है, वो हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे। अब मैंने सोचा था कि यार ब्लॉग पिछले सही नहीं बन पा रहे थे शायद, लेकिन बंदा यहाँ घुसता है, बंदा अपनी एक गुमान लेके बैठ जाता है, पता नहीं सोच कहाँ से कहाँ चली जाती है, क्या सोचने लग जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो बस ये है कि बस आप लोग देखें, जब आप लोग खुद यहाँ पे आएंगे ना इंशाल्लाह, मैं अभी हरम के सामने आप सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, जो जो भाई ये मेरे भाई और बहनें जो भी वीडियोस देख रही हैं, अल्लाह पाक इन लोगों को भी जल्द से जल्द अपनी क्या कहते हैं काबे की ज़ियारत अता फरमा, इलाही आमीन। और आप लोग जब खुद आएंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर आप खुद बेहतर बताएंगे कि भाई यहाँ आने के बाद क्या फील होता है। तो दुआ मैंने आप सबके लिए मांग ली है, तो आप मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ा लेगा, मजाक कर रहा हूँ, आप लोग भी दुआ मांगे बस ये देख के कि आप लोगों को यहाँ पे आने की तौफीक अता फरमाए, इलाही आमीन। शाम में फिर घर से ले गए थे तवाफ वगैरह करके, फिर अभी आए थे रात में एक बजे के करीब, तो अभी हमने फजर की नमाज़ पढ़ी और रात से तवाफ ही किए। और ये देखें, ये सफ़ा मरवा का पहाड़ का जो टुकड़ा है नहीं है, ये वो है देखें, हाँ उसी का है, लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन है उसी का, वसी है उसी का, सफ़ा मरवा का ये टुकड़ा, हाथ नहीं जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, हमने भी खाना खाना, अबे हाँ कर सकते हैं। सही बोल रहा है, कहीं ना कहीं तुमने जुगाड़ कर, अभी वहाँ और भी क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो लाइव चल रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, ये लाइव चल रहा है तो वो ये रिकॉर्ड कर रहा था वसी। अभी हम जा रहे हैं सामने मार्केट में, क्योंकि वसी भाई क्या मसला हो गया हमारे साथ, एक्सचेंज हमारे पास जितने पैसे थे वो सब ख़त्म हो गए, अब बचे हमारे पास धर्म, अब इसलिए सेम है वैसे धर्म, लेकिन यहाँ पर ना ले नहीं रहे धर्म, कुछ दुकानदार ले लेते हैं धर्म, कुछ दुकानदार नहीं लेते, क्योंकि रियाल और धर्म का प्राइस है ना, क्या चीज़
खैर मैं ये बता रहा था भाई, यहाँ पे ना धर्म और वैसे अगर देखा जाए ना रियाल का, दोनों सेम है, बराबर ही है प्राइस में ना, मतलब अगर इंटरनेशनल उसमें प्राइस में हम देखते हैं दोनों के रेट पाकिस्तानी के हिसाब से देखे तो बराबर है, 19-20 का फ़र्क है, धर्म थोड़ा सा ऊपर है, और मतलब ऐसा है कि धर्म के 500 रियाल के 510 रुपये ये फ़र्क है। तो अब कुछ दुकानदार यहाँ पे ले लेते हमसे धर्म और कुछ नहीं लेते। कल रात में हम लोग मार्केट में गए थे, फिर वहाँ से सामान वामान लेना था वो, लेकिन मार्केट बंद हो गई थी, वो दूसरी मार्केट थी जहाँ से जो कुछ सामान लेना था ना, खैर इतर वगैरह ले लिए थे फिर हमने उससे वहाँ से। फिर उसके बाद हम घर गए कि सो गए, फिर आज सुबह उठे, फिर नमाज भी टाइम से पढ़ी और तवाफ फिर करे, फिर अभी थोड़ी देर पहले ही मगरिब में गए थे हम लोग वापस रूम पर, क्योंकि आज हमारे को चेकआउट करना था और हमें जाना था मदीने, तो हमने चेकआउट वगैरह करके अभी ईशा की अभी अभी नमाज पढ़ी और मैंने वीडियो ऑन करी है, अभी अभी नमाज पढ़ाऊंगी, अभी हम लोग यहीं से नमाज पढ़ गए, अब जा रहे हैं मदीने के लिए, और बस रखेगा बस हमारा यहीं तक का सफर था, ज़िंदगी में पता नहीं कब फिर लाओ सामने मक्का शरीफ है, और दुआ मांगते हुए जा रहे हैं, और अज़ान के बाद बात करते हैं क्योंकि किसी का जनाजा है, उसकी नमाज हो रही नमाज के बाद, सॉरी अरे उस वक्त नमाज हो गई थी, हर नमाज के बाद मैंने आपको बताया ना कि जनाजा होता है यहाँ पे मक्के और मदीने में हर नमाज के बाद, तो जनाजा था किसी का, उसकी नमाज थी, उसके बाद अब हम लोग निकल गए, हम लोग मदीने के लिए जा रहे हैं, और माशाल्लाह से भाई शायद हाजियों की फ़्लाइट उतर गई है और अच्छा खासा रश हो गया है यहाँ पे माशाल्लाह से। तो अभी है कि हम लोग बस मदीने जा रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए अलबेग, अलबेग से कुछ खा के फिर हम निकलेंगे मदीने के लिए रवाना होंगे, और मक्के का ब्लॉग पार्ट 2 यहाँ पे स्टॉप करेंगे, आगे अलबेग पे मिलते हैं। आज हसी ब्रो जा रहे हैं अलबेग के लिए हमारे को लेके, हसी ब्रो थोड़ा सब्र कर जाएंगे भाई, अलबैग आ गई है, और ये ना अलबैग फ्री है, चलो भाई वह वसी रश हो देख, वह बहुत रश है वसी, खुशबू अच्छी आ रही है, बस अलबैग खाना था, अलबैग खाए वसी, हेलो भाई लाइन में लग के लेके फिर आपसे मिलते हैं, लस्सी लस्सी लस्सी, तो भाई पहले ले लें दोस्त ले लें फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है अच्छा खासा रश है भाई, अच्छा खासा रश, चलो मुझे लग रहा है सब खाने के लिए यहीं आते हैं यार, अब गए यहीं के पास ज़्यादा रश है, ब्रोस ख़त्म हो गया था तो नगेट्स ले लिए, और नगेट्स भी लिए हमने 4 डब्बे, क्योंकि भाई अलबेग का टेस्ट है यार इतना मज़ेदार टेस्ट है क्या ही बताऊँ। तो ये मदीने के लिए रवाना हो गए, और मैंने तो अलबेग अलग से उठा लिया रास्ते के लिए, तो अब हम निकल रहे हैं मदीने के लिए, चले वसी भाई अंदर हो अंदर, मैं आगे बैठ रहा हूँ, निकल रहे हैं मदीने के लिए, फिर इंशाल्लाह मदीने में जाके मिलेंगे आपसे, ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, और वहाँ के हमारा यहीं तक का सफ़र था बस, अल्लाह पता नहीं कब नसीब करेगा दोबारा यहाँ पर आने के लिए, जब नसीब मौका मिला है इंशाल्लाह, अभी फ़िलहाल यहीं तक का था हमारा सफ़र मक्के का, तो आपको मदीने के ब्लॉग में नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगा उसमें मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है भाई अल्लाह हाफिज़।